वायरस को लेकर सीएम गहलोत गंभीर हैं और सीएम की अध्यक्षता बैठक जो है वो इस वक्त चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना वायरस को लेकर सीएम अशोक गहलोत बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। सीएम की अध्यक्षता में बैठक जो है वो फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि फिलहाल इटली के जो पर्यटक राजस्थान घूमने आए थे उसमें दोनों को, यानी जो दंपत्ति है, दोनों का जो केस है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं सतर्कता बरती जा रही है, आइसोलेशन वार्ड में उन्हें रखा गया है। पूरे देश के अंदर अलर्ट है, यानी कि पूरी तरीके की कोशिशें जारी है। पैनिक सिचुएशंस नहीं है सरकार का कहना है, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है। और जो सरकारी इंतजाम है उसे लेकर खुद गंभीर सीएम अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर सीएम गहलोत गंभीर हैं, तो सीएम की अध्यक्षता में बैठक जो है वो फिलहाल चल रही है। हालातों को लेकर तमाम चीजों की जो जानकारी है वो सीएम यहां पर ले रहे हैं। आज विधानसभा में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी तमाम चीजों की जानकारी दी, आखिर कैसे जो है इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं, किस तरीके की सिचुएशंस हैं, उसकी भी जानकारी यहां पर दी गई है। और साथ ही साथ लोगों के बीच में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। आपको बता दें कि जयपुर में लोगों के बीच लगातार दहशत का माहौल है इसे लेकर, लेकिन सरकार का कहना है कि किसी भी तरीके की पैनिक सिचुएशंस नहीं है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त चल रही है, कोरोना वायरस को लेकर सीएम ये बैठक ले रहे हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, वहीं सीएस जीबी गुप्ता, चिकित्सा विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। वहीं कोरोना वायरस को लेकर इंतजामों की समीक्षा यहां पर की जा रही है कि आखिर किस तरीके के इंतजाम पूरे प्रदेश भर में किए गए हैं, क्योंकि केंद्र की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस यहां पर दी गई हैं। जो क्विक रिस्पांस टीम है उसके गठन करने की बात तमाम जिलों में कही गई है, और उन्हीं निर्देशों के तहत अब आखिर किस तरीके के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, उन तमाम चीजों की समीक्षा खुद सीएम गहलोत यहां पर कर रहे हैं। तो कोरोना को लेकर पूरे देश में लगातार सतर्कता बरती जा रही है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जो चिकित्सा मंत्री हैं वो सामने आए, उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स को और ज्यादा इंप्रूव किया जा रहा है, और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तमाम फ्लाइट्स अब, यानी कि अब जो भी फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड होंगी, उनके तमाम पर्यटकों को, तमाम लोगों को, यात्रियों की अब जो स्क्रीनिंग है वो की जाएगी। इससे पहले कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज से जो लोग ट्रैवल कर वापस लौट रहे थे उन्हीं की स्क्रीनिंग जारी थी, लेकिन अभी तमाम फ्लाइट्स की स्क्रीनिंग मस्ट कर दी गई है। और इसके साथ उन तमाम लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है जो किसी भी तरीके से इफेक्टेड लोगों के संपर्क में आए हैं। मसलन वो टूर जो इटली से आया, वो तमाम पर्यटकों का जो है एक ग्रुप जो पहुंचा था, जिन एरियाज से वो निकला है वहां पर भी स्क्रीनिंग की जा रही है। ट्राइडेंट होटल जो है उसके तमाम कमरों को सीज कर दिया गया है, और जो वहां पर बुकिंग्स हुई हैं उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो लिए गए हैं। सुशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ। सुशांत, अभी क्या कुछ जानकारी है इस बैठक में जहां सीएम इस वक्त बैठक कर रहे हैं, किन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा हो रही है? देखिए सुमित, एक तो जो मेडिकल इमरजेंसी के हालात हैं उनको लेकर सीएम समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरीके से चिकित्सा विभाग जो है वो जो इंतजाम किए हैं वो कितने पुख्ता हैं, और किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कैसी जरूरतें हैं जो चिकित्सा विभाग को करनी चाहिए। दूसरा, आरयूएचएस में जिस तरीके से नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि उन्हें और अधिक इक्विपमेंट चाहिए, व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर एक तरह से थ्रेट जो फैला हुआ है, डर का जो माहौल है, उसे ठीक करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए अपील भी की थी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा लगातार अपनी बयानों में, बाइट में कह रहे हैं कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन इंतजामों को और बेहतर करना होगा। खासतौर पे जिस तरीके से मास्क की कमी देखने को मिल रही है, स्कूल्स में बच्चों को मास्क के लिए कहा जा रहा है लेकिन बच्चों के पास मास्क नहीं है, या दूसरे महकमों में खासतौर पे मेडिकल से जुड़े हुए जो महकमे हैं उनके लिए इंतजाम कैसे बेहतर हो, कैसे इसका पैनिक कम हो और इसका वायरस फैलने से रोका जा सके, इन सब मसलों को लेकर सीएम बैठक ले रहे हैं। रघु शर्मा हैं, डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, सीएस हैं और चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं। तो एक तरीके से लबोलुआब यही है पूरी बैठक का कि इंतजामों को और अधिक बेहतर कैसे किया। बिल्कुल, यानी कि लोगों के बीच जागरूकता भी फैले और लोग अपने आप को जो है सेफ भी रख सके, इन तमाम चीजों की कोशिशें यहां पर, और खुद सीएम इसे लेकर गंभीर है। बैठक का जो दौर है वो इस वक्त यहां पर चल रहा है। बहुत शुक्रिया सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।